This video is made for medical student as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. मेडिकल प्रैक्टिशनर हेलो फ्रेंड वेलकम टू चैनल फार्मेसी डिक्शनरी आज हम बात करने वाले हैं हिमालय का तुलसी सिरप। और ये जो तुलसी सिरप है बेसिकली कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट है तुलसी लीफ का तुलसी बेसिकली यूं तो हर घर में पाया जाता है और है इसके ऊपर काफ़ी सारे लिटरेचर एंड बुक्स अवेलेबल हैं जो कि इसके मेडिसिनल वैल्यू को इंडिकेट करते हैं एक्सप्लन करते हैं आज का ये जो वीडियो है वो बेसिकली तुलसी के इस सिरप जो कि रेस्पायरेटरी वेलनेस को रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में हम बात करेंगे या इसे अगर सरल भाषा में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि अगर आपके रेस्पैटी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है या कफिंग की इशू हो रही है आपको या ऐसे ही अगर आप अपने रेस्पैटी ट्रैक के फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ऐसे केस में तुलसी का ये कंसंट्रेटेड सिरप रिकमेंड किया जाता है सिरप का मतलब क्या होता है सिरप का मतलब सॉल्यूशन। अब ये किसका सॉल्यूशन है कंसंट्रेटेड तो ये है तुलसी के लीफ का ये जो आपका सिरप है वो आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगा कफ एंड कोल्ड में तो जैसा मैंने कहा कि ये आप इसे कफ सिरप के रूप में भी ट्रीट कर सकते हैं यूँ तो मार्केट में काफ़ी सारे कप सिरप हैं और उनमें से काफी के ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है जिनमें से मुख्य रूप से ग्रिलिंग ट्स के कई सारे टाइप्स आते हैं लेकिन इन कप सिरप में जो कि एलोपैथी होते हैं वो काम तो फास्ट करते हैं दिक्कत ये होती है कि कुछ में से काफ़ी कुछ ड्राउसीनेस यानी कि नींद या लिथर्जी थकावट कॉज करते हैं और उनमें जो केमिकल्स होते हैं वो थोड़े से साइड इफेक्ट कॉज करने की एबिलिटी भी रखते हैं क्योंकि एलोपैथी में ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जो 100 परसेंट सेफ कंसीडर की जाए लेकिन आयुर्वेदिक के, के केस में अगर हम कंपेयर करते हैं तो इनकी जो साइड इफेक्ट हैं वो लगभग नहीं के बराबर हैं हालांकि ये भी कहना गलत होगा कि ये किसेंट सेफ हैं बट काफी अधिक सेफ हैं आपके एलोपैथिक के मेडिसिन की तुलना में अगर मैं बात करूं इस तुलसी के सिरप का इंडिकेशन आप इस कोविड 19 के पेंडेमिक सिचुएशन में कैसे यूज कर सकते हैं सो so, एज जब हम बात करें कोविड के इंफेक्शन तो ट्रैक को अफेक्ट करता है। so, अगर ये को अफेक्ट करेंगे तो उसमें म्यूकस का शिक्रेशन भी काफी ज्यादा मात्रा में होगा देखिए ये रहा हमारा लंग्स बेसिकली लंग्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा रफ में अगर हम बात करते हैं तो इन लंग्स में काफी सारे छोटे छोटे एलव होते हैं जिनका ये काम होता है कि वो ऑक्सीजन को और CO2 को एक्सचेंज करते रहते हैं ब्लड में पार्सल प्रेशर के अकॉर्डिंगली ये जब आपके लंग्स में म्यूकस का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है जिसके कारण से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है और ऑब्वियसली वही म्यूकस फेलगम के फॉर्म में बलगम जिसे हिंदी में बोलते हैं कफ जिसे आप बोलते हो उसके फॉर्म में भरने लगते हैं इसके कारण से ये एल्वेलाई मास्क हो जाता है और उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस का भी दिक्कत होने लगते हैं ऐसे केस को ओवरकम करने के लिए हम रेस्पायटरी स्टिमुलेंट ड्रग या रेस्पायरेटरी वेलनेस कैटेगरी के ड्रग कप सिरप को लेते हैं जो कि म्यूकस के फॉर्मेशन को कम करेगा और इन्फेक्शन के चांसेस के कारण से बनने वाले फेलगम को भी कम करके रिलीफ प्रोवाइड करेगा ये जो तुलसी का सिरप है वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट शो करेगा इन जनरल अगर आप इसे कंटिन्यूसली लेते भी हैं तो कोई आपको अनवांटेड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे बट अब आपका रेस्पायटरी सिस्टम भी स्ट्रांग होता जाएगा इसका जो कंटेंट है वो टू हंड्रेड है नेट वॉल्यूम मैंने बताया हंड्रेड एम एल इसका बैच नंबर मैनुफेक्चरिंग डेट वगैरह देख सकते हैं इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो होती है टू ईयर फ्रॉम द मैन्युफेक्चरिंग सो ये अगर बना हुआ है आपका फेबरवरी टू हंड्रेड ट्वेंटी में तो ये दो साल तक और काम करेगा अगर हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन का तो यहां पर देखिए दिस इज अ कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट ऑफ तुलसी लीव विच इज अ वेरी गुड क्वालिटी कंपनी इसको रिकमेंड करती है तुलसी हेल्प यहां पर अगर हम इसके इंडिकेशन का देखते हैं तुलसी हेल्प ड्यूरिंग द एक्सपायटरी स्टेप तुलसी हैज़ एंटी माइक्रोबियल जैसा मैंने कहा कि कोई माइक्रोगजम ग्रोथ कर रहा है तो उसको खत्म करने की एबिलिटी रखता है एंटी इन्फ्लामेट्री मतलब होता है इन्फ्लामेशन सूजन स्वेलिंग इनकी जो चांसेस हैं इन्फेक्शन में उसको भी कम करने का काम करता है और कोविड नाइन्टीन में तो स्वेलिंग इन्फ्लामेशन आपके लंग्स में हंड्रेड परसेंट चांसेज बनते हैं तो उसी इन्फ्लामेशन के कारण से फिर म्यूकस का फॉर्मेशन और बढ़ते जाएगा आपके गॉबडियर सिल के द्वारा से तो उनको कम करने में ये काफ़ी मदद करता है साथ ही साथ ये एक्सपेक्टोरेंट का भी काम करता है एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है

और पाँच एम के अंदर हम देखें कि क्या रखा हुआ है तो इसमें तुलसी का एक्सट्रैक्ट है वन वन टू एम और इसमें कुछ एग्जीपियन भी रखे गए होंगे ताकि इसको प्रिजर्व करके रखा जा सके इनके अदर इन्ग्रीडियंट जैसे मैं कहा एग्जीपियन का यह है आपका मेथाइल सोडियम विच इज़ बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया और प्रोपाइल पैराबेन सोडियम सोडियम बेंजोएट ये जो अदर इन्ग्रीडियंट हैं वो इनकी कोई मेडिसिन प्रॉपर्टी नहीं है यानी कि ये आपके रेस्पायटर सिस्टम में कोई मदद नहीं करेंगे इनका यूज़ केवल आपके मेन एक्सट्रैक्ट तुलसी के एक्सट्रैक्ट को दो साल तक क्योंकि इसका एक्सपायरी डेट दो साल तक है दो साल तक प्रिजर्व करके रखने में है इसलिए इसे हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव तुलसी का एक्सट्रैक्ट खराब ना हो इसलिए इसको हम ऐड करते हैं इनको लंबे समय तक चलाने के लिए डोज की बात करें तो इसलिए तो ऑब्वियसली आयुर्वेदिक प्रिपरेशन तो ये ओ प्रोडक्ट के अंदर आता है कोई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है अगर हम बात करते हैं चिल्ड्रन की तो इनका जो डोज है वह है एक टी स्पून यानी कि 5 एम क्यों 5 एम क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ईच एम एल तो आपको पूरा मिलेगा 5 एम जब लेंगे तब दिन में दो बार लेना है अगर हम बात करते हैं एडल्ट की तो इनको टू टेबल स्पून दैट मीन्स ऑब्वियसली फाइव इंटू टू इजिकल टू टेन एम एल ट्वाइस या थ्राइस इन डेली लेना है दो या तीन बार आप ले सकते हैं या अगर आप लोग तो आपके फिजिशियन ने आपके कंडीशन इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब किया है तो आप उसे ले सकते हैं एक इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होता है वो होता है हर एक सीरफ के साथ कि इसको आपको लेने से पहले से शेक करना चाहिए ताकि जो कंसनट्रेशन नीचे में बैठ गया होगा सिडिमेंट के फॉर्म में रेसिपरेट के फॉर्म में वो शेक करने पर ईजिली यूनिफॉर्मली सोलेबल हो सके तो यहां पर आज हमने देखा कि तुलसी का सिर्फ कितना इंपॉर्टेंट है कफ के फॉर्म में कफ को ठीक करने के लिए कोल्ड को ठीक करने के लिए चाहे ये कफ कोल्ड आपके सीजनल इंफेक्शन की वजह से हो कोविड के लिए हो ये ठीक करने में आपकी मदद कर सकते हैं बट इट विल नॉट टू बी यूज्ड विदाउट प्रॉपर गाइडलाइन जैसा मैंने कहा कि इसको बिना प्रॉपर गाइडलाइन के यूज नहीं करना चाहिए जो आपका डोज दिया हुआ है उससे एक्सीड ना हो और ये जो आपका प्रिपरेशन है इसे कूल एंड ड्राई प्लेस में रखना है सनलाइट से भी दूर रखना होगा वरना इनके जो केमिकल कॉन्स्टोटेंट है उनमें डिग्रेडेशन देखने को मिल सकता है डू नॉट रेफ्रिजरेट इसे फ्रिज में नहीं रखिएगा बाकी ये कप सिर्फ काफ़ी इंपॉर्टेंट है थोड़ा टाइम लगेगा आपके कफ की रिकवरी में अगर आप इनिशियली लेते हैं तो लेकिन ये अगर आप यूज़ करते हैं ऑफनली तो ये आपके रेस्पैटिव सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाने में मदद करेगा दैट्स ऑल फॉर फॉरदेव थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नमस्कार डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ